हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक और सेहतमंद होंगे। आज मैं आपके लिए लाई हूँ क्रिस्पी पापड़ी की रेसिपी, जो करने में बहुत ही ईजी है और खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। आप ज़रूर बनाइए गर्मियों के मौसम में। छोटे छोटे भूख तो हर वक्त लगता ही है। आप इसे बनाकर स्टोर में रख सकते हैं और आप जब भी मन हो आप इसे खा सकते हैं। टी टाइम में हो या कोई भी वक्त आप इसे खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगता है। तो चलिए देख लेते हैं रेसिपी की तरफ। तो यहाँ पर मैंने एक पतीले में 2 कप मैदा लिया हुआ है, थोड़ी सी कलौंजी, थोड़ी सी नमक, थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर और रिफाइंड ऑयल 3-4 चम्मच अच्छी तरह से हाथों से मसलना है। ये सब कुछ डाला हुआ है मैंने इसमें, लेकिन ये सूट नहीं हो पाया है। लेकिन आप इसमें डालिए जहाँ जो जो चीज़ मैंने बोला है आप वैसा ही करिए, बहुत ही क्रिस्पी बनता है ये पापड़ी। तो इसे अच्छी तरह हाथों से मुझे मसलना है, ये देखिए इस तरह से। और हमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका एक डो बना लेना है, जिस तरह से हम आटा का डो बनाते हैं उससे थोड़ा सा नरम होना चाहिए। तो थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका डो बना लेते हैं, देखिए इस तरह से। और इसे मुझे रखना नहीं है, मुझे इसका पापड़ी अभी भी बना लेना है। तो ये तैयार हो चुका है, देखिए एवरीवन इसका डो। तो अभी छोटे छोटे बॉल्स बना लेते हैं और अच्छी तरह से बेल लेते हैं इस तरह से, देखिए। तो मैंने ये देखिए बेल लिया है रोटी की तरह। अब मेरे पास कटर है तो मैं इस तरह से काट लेती हूँ गोल से, गोल गोल सेब वाला। अगर आपके पास ऐसा कटर नहीं है तो आप छोटी सी कटोरी या ग्लास से भी आप इस तरह से पापड़ी बना सकते हैं। तो ये देखिए इस तरह से मैंने काट लिया है, उसके साइड किनारों की तरफ सारा निकाल लेती हूँ। और अभी मैंने तेल गरम कर लिया है, ज़्यादा तेल गरम ना हो इस बात का ख्याल रखिए। तो अभी सारे पापड़ी को डाल देते हैं इस तरह से। तेल थोड़ा सा हल्का गरम हो चुका है, तो जब भी हम पापड़ी डालेंगे तो तेल हमें स्लो रखना है और सारा पापड़ डाल देते हैं इस तरह से, देखिए। और लो आंच में ही हम इस पापड़ी को तलेंगे। तो इसे थोड़ी देर बाद हम इसे पलट लेते हैं, थोड़ी सी कलर आ जाने के बाद हम इसे निकाल लेंगे। तो ये देखिए कम से कम 3-4 मिनट तो लग जाता है थोड़े सा क्रिस्पी होने तक, हम इसे फ्राई करेंगे। तो इसे अब मैं बाहर निकाल लेती हूँ, देखिए थोड़ा सा कलर आ चुका है। तो इस तरह से ही सारा पापड़ी मुझ में बना लेती हूँ। और ये रेसिपी आपको कैसा लगा ज़रूर मुझे कमेंट कीजिए। तो मिलती हूँ आपको और एक नई रेसिपी के साथ। एवरीवन बाय।